नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हिस्ट्री शूटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए सहारनपुर पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। कानपुर में पुलिस पर हमले के मुख्य आरोपी एवं 5 लाख के इनामी विकास दुबे को पकड़ने के लिए सरसावा पुलिस द्वारा हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा स्थित शाहजहांपुर चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सीमा पार करने वाली प्रत्येक गाड़ियों की गहनता से जांच की गई। मुखबिर की सूचना पर सहारनपुर पुलिस ने पकड़ा एटीएम गिरोह का 25,000 का इनामी बदमाश। 4,25,000 रुपए बरामद। और सदर बाजार के अंदर एटीएम काटने की घटना हुई थी, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सर्विलांस एसओजी और अन्य बाकी दोनों थानों की टीमें गठित की गई थी। उसी के क्रम में ऑलरेडी 4 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जा चुका है। उसी में से ये जो रुकमा और प्रथमुद्दीन है, जिसे कल पुलिस मुठभेड़ के बाद ITC लोडिंग गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से कुल 4,25,000 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही साथ अवैध असला बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उस मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की जा रही है कि वो मोटरसाइकिल कहाँ से इसके द्वारा ली गई थी। इसमें जो पैसा बरामद हुआ है, इसमें कुल 2,25,000 रुपये हमारे जो सदर बाजार से ATM कटा था उससे संबंधित है, और जो कि इस इंट्रोगेशन में बताया है। साथ ही साथ 1,00,000 रुपये मोहाली पंजाब से जो ATM कटा गया था उससे संबंधित है, और 1,00,000 रुपये जो अन्य है वो सिविल लाइन कैथल से जो ATM कटा गया था उससे संबंधित है। और इसमें डिटेल में इंट्रोगेशन जारी है। बाकी जो अन्य लोग हैं उनके बारे में इंट्रोगेशन किया जा रहा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ननोता में एक बार फिर लिए गए 18 लोगों के सैंपल, 7 लोग डिस्चार्ज होकर लौटे घर। पिछले 17 दिनों में ननोता नगर व क्षेत्र से करीब 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके मद्देनजर एक बार फिर ननोता से 18 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए। वहीं 7 लोग ठीक होकर अपने अपने घर भी जा चुके हैं। व्यापारी नेता के भाइयों पर दबंगों का हमला। व्यापारी नेता अंकित धीमान के भाई नितिन धीमान व निशांत धीमान पर गांव के दबंग जोगेंद्र सैनी व सुरेंद्र सैनी ने हमला बोल दिया, जिसमें नितिन व निशांत घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इन दबंगों ने 4 महीने पहले भी हमला किया था, जिस संबंध में अंकित धीमान द्वारा SSP को ज्ञापन देने के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हरिद्वार जाने वाले हो जाए सावधान। कोरोना के दौरान पुलिस ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। यदि कोई भी व्यक्ति कांवड़ यात्रा करते दिखाई दिया तो उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी व्यक्ति स्वयं ही देगा। जिसके मद्देनजर यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली में 40 पॉइंट बनाए गए, जिस पर 13 कंपनी PSC तैनात रही। व्यापारियों ने उठाई दोनों तरफ के बाजार खोलने की मांग, DM ने दी हरी झंडी। बीते दिनों व्यापारियों द्वारा दोनों तरफ से बाजार खोलने की मांग उठाई जा रही थी, जिसको लेकर DM ने हरी झंडी देते हुए सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक बाजार खोलने के आदेश जारी किए हैं। जो भी व्यक्ति इस दौरान बिना मास्क के दिखाई दिया उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जल निकासी न होने से गंगों के नागरिकों की बड़ी परेशानी। बरसात का पानी कई घरों में घुसा। अवैध रूप से किए जा रहे मछली पालन को मुख्य कारण बताते हैं लोग। रामपुर मनिहारन में जिलाधिकारी के पास पहुंचे लोगों ने मोहल्ला पीपल तला में लगाई गई ब्रिगेडिंग हटाने की उठाई मांग। आपको बता दें, विगत दिवस एक निजी चिकित्सक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसके आसपास का एरिया सील कर दिया गया था, जिसे खोले जाने की मांग को लेकर कस्बे के लोग उप जिलाधिकारी के पास पहुंचे। जनपद के अनेक स्थानों के बाद आज खाताखेड़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध कब्जे को खाली कराकर उन्हें ध्वस्त किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जमीन का बाजार मूल्य 25 करोड़ रुपए है। अवैध शराब के निर्माण, तस्करी व बिक्री करने वालों के विरुद्ध चलाया गया था 15 दिवसीय अभियान। 228 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। SSP ने दी जानकारी। 15 दिन का अभियान चलाया था, जिसमें अवैध शराब के निर्माण, तस्करी, बिक्री, इनके खिलाफ जो पूरे ज़िले में अभियान चलाया गया था, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो 221 मुकदमा पंजीकृत हुआ है और 228 जो व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उनके गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। और जो करीब 3,000 लीटर का जो शराब है, अंग्रेजी और देसी, ये बरामद हुआ है।
और करीब 8000 लीटर के जो लहन होता है उसको मौके पर नष्ट कर दिया गया है। 14 जो बट्टी हैं जो टेम्पररी रूप से लगा के इसका निर्माण करते हैं उसको बरामद किया गया है। 6 वाहन सील किया गया है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने राकेश चहल को मनोनीत किया राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के महिला मोर्चा का अध्यक्ष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।